कहते हैं आत्मनिर्भर के भारत के तहत है ये सारी चीजें, जिसमें आपको जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली ये देखा जा रहा था, वो बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो कहते हैं चल तो रही थी, जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, जो सब्सिडी हैं, जो लोन बेनिफिट्स हैं, या कहते हैं जो हैंड होल्डिंग है, जो गवर्नमेंट रिटर्न रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, वो उनको नहीं मिल पा रहे थे, और वो कहते हैं कुछ सालों बाद वो बंद हो जा रही थी, क्योंकि उनको कहते जब कैपिटल ही नहीं मिल पाएगा और वो वर्क ही नहीं कर पाएंगी तो मार्केट में वो आगे कैसे बढ़ पाएंगी। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें देखी, जो 25 लाख यूनिट हैं वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर चल रही हैं, वो माइक्रो भी हैं, पर कितने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए ये PMFME का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके तहत आपको जो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड कर रही है, मीन्स आपको DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाने में मदद करेगी, जिसके थ्रू आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं।